हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। पीएम मोदी की बायोपिक दर्शकों पर काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रही है। भले ही इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग कुछ खास नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का ग्राफ बढ़ते जा रहा था। लेकिन वीकडेज में आते ही ये फिल्म धड़ाम से गिर गई। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय ने प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है। बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 2,88,00,000, दूसरे दिन 3,76,00,000 और तीसरे दिन 5,12,00,000 का कारोबार किया था। तो वहीं अब लीजिए फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो फिल्म ने अपने चौथे दिन लगभग 2 करोड़ की कमाई की है। बता दें कि इस फिल्म ने पर्दे पर आने के लिए काफी इंतजार किया है। मेकर्स ने भी काफी पापड़ बेले हैं। पहले ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने फिल्म पर रोक लगा दी। वैसे फिल्म की रिलीज से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी, लेकिन मोदी की बड़ी जीत के बाद भी ये फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाने में कामयाब नहीं हो पाई है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विवेक के साथ दर्शन कुमार, मनोज जोशी और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। वेल, आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।